बड़ी खबर जो इंदौर से मिल रही है, इंदौर के होलकर स्टेडियम में वार्म अप मैच टीम इंडिया खेलेगी। जी हाँ, बड़ी खबर है, इंदौर के होलकर स्टेडियम में जैसी संभावनाएं जताई जा रही थी, वार्म अप मैच अब टीम इंडिया खेलेगी और ऐसे में वनडे वर्ल्ड कप के दो मैच की मेजबानी मिलने की संभावना भी इंदौर को जताई जा रही है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीन मैच यानी कि कुल हो सकते हैं। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होगा और ये भी खबर सामने आ रही है कि वार्म अप मैच इंडिया खेलेगी यहाँ पर, साथ ही दो मैच की मेजबानी भी मिलने की संभावना, यानी कि कुल तीन मैच। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है और ऐसे में इंदौर का नाम भी सामने आ रहा था, इसके अलावा राजधानी रायपुर का नाम सामने आ रहा था। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होगा और कुल तीन मैचेस यहाँ पर टीम इंडिया खेल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहां संभावनाएं जताई जा रही थी कि टीम इंडिया मैच खेल सकती है, अब प्लस बात यह है कि टोटल तीन मैचेस हो सकते हैं, कितनी संभावनाएं और क्या कुछ तैयारी? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से जो है वो 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का ये महासंग्राम शुरू हो रहा है, इसको लेकर जो स्टेडियम है उन्हीं सूची जारी हो चुकी है और उन्हीं स्टेडियम की सूची में इंदौर के होलकर स्टेडियम का नाम भी शामिल है। यानी कि ये बात तो साफ है कि इंदौर को जो है वो वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी मिलना तय है, लेकिन मैचेस कितने होंगे, कब ये मैचेस होंगे, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर मंथन कर रहा है। और इसी बीच में जो बीसीसीआई के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इंदौर में अब एक नहीं बल्कि तीन मैचेस हो सकते हैं। और आप देखिए, ये होलकर स्टेडियम है जो टीम इंडिया के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ है। और आपने देखिए, टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने यहाँ पर धूम मचाई है। वनडे क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये कहा जा रहा है कि अब दो मेन मैच हो सकते हैं, उसके साथ में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के शुरुआत में यहाँ पर वार्म अप मैच भी खेल सकती है। हालांकि किस टीमों के साथ में ये मुकाबले होंगे और किस तरीके से यहाँ पर जो है टीम इंडिया जो है विरोधियों को धूल चटाने के इरादे से उतरेगी, ये जो है आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो बीसीसीआई और एमपीसीए के बीच में चर्चाओं का दौर जारी है और उसी के साथ में जल्दी यहाँ पर शेड्यूल तय हो जाएगा। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खासतौर पर अच्छी खबर हो सकती है और खासतौर पर इंदौर में जब जब मैच हुए हैं, सफल आयोजन के साथ में इंदौर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो इन मैचेस के आयोजन किए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अब तीन मैचेस की मेजबानी कहीं ना कहीं इंदौर को मिल सकती है। प्रगति, बिल्कुल, तीन मैचेस की मेजबानी मिल सकती है और इसको लेकर अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी के लिए।